गठबंधन टूटने की वजह बनी दो सीट, जीत पर अड़े चौटाला और वीरेंद्र परिवार। बीजेपी के लिए मुसीबत बनी दोनों परिवारों की तकरार। लोकसभा चुनाव होने में भी 9 से 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियां सियासी तपिश बढ़ा रही। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। दो परिवारों की लड़ाई के कारण बीजेपी जेजेपी गठबंधन में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। चौटाला और वीरेंद्र सिंह परिवार आमने सामने है। दो सीटों पर दोनों की ही दावेदारी है। दोनों परिवारों में दशकों से सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही। दोनों एक दूसरे पर जीत दर्ज करते आए हैं, लेकिन अब दोनों में एक बीजेपी में है और दूसरी की बीजेपी के साथ गठजोड़ है, पर दोनों एक साथ होने के बाद भी अपनी पुरानी सियासी जंग भुलाने को तैयार नहीं। ऐसे में अब बीजेपी भी टेंशन में आ गई है। पार्टी समझ नहीं पा रही क्या करें, आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दो परिवारों की लड़ाई के कारण जेजेपी बीजेपी में दरार। हरियाणा से लगातार बीजेपी और जेजेपी के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। सरकार में शामिल दोनों दलों के बीच चल रही इस खटपट की कई वजहें हैं। इन वजहों में से एक है उप मुख्यमंत्री व जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह का परिवार। दोनों ही परिवारों में सदियों से सियासी जंग चली आ रही है। उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार विधानसभा सीट, ये दोनों सीटें दशकों से हरियाणा के इन दो प्रमुख सियासी परिवारों चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच विवाद की जड़ बनी हुई है। इन पर कभी चौटाला परिवार जीता तो कभी वीरेंद्र सिंह का परिवार, पर अभी भी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वीरेंद्र सिंह पहले से ही बीजेपी में है, वहीं दुष्यंत चौटाला 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया है। ऐसे में दोनों ही परिवार पुरानी सियासी अदावतों को भुलाकर साथ आने को तैयार नहीं है। साल 2024 में होने वाले चुनावों में दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर अपना अपना दावा ठोक रही है। दोनों ही परिवारों के बीच कई बार हुआ मुकाबला। इस समय उचाना कला विधानसभा से जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, जबकि हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह सांसद हैं। दोनों ही परिवारों के बीच इन सीटों पर कई बार मुकाबला हुआ। दुष्यंत इनेलो के दिग्गज और हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के पोते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में विजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को मात दी थी। इसके कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने विजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया था। दोनों ही परिवार उचाला कला विधानसभा में करीब 4 दशक से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहते हैं। दोनों ही दल इस सीट को अपना गढ़ मानते हैं, इसलिए वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। 2024 के चुनाव में भी इस बात का प्रबल संभावना है कि दोनों परिवारों में यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिले। चौटाला और वीरेंद्र सिंह परिवार की वजह से टूटे गठबंधन। चौटाला और वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच चल रहा द्वंद्व आने वाले दिनों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की बड़ी वजह बन सकता है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि बीजेपी हिसार से विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारेगी या नहीं, लेकिन चौटाला परिवार निश्चित ही अपने परिवार के ही किसी मेंबर को यहां से अगला लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहेंगे। हो सकता है चौटाला परिवार दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय को यहां से चुनाव लड़वाए। प्रेमलता को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है बीजेपी। हरियाणा बीजेपी के इंचार्ज त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव वर्चुअली उचाना कला विधानसभा से प्रेमलता को 2024 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। उनकी इस ऐलान के बाद जेजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। जेजेपी का कहना है दुष्यंत इस सीट से प्रेमलता को 48,000 से ज्यादा वोटों से हरा चुके हैं और वो यहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत ने भी साफ साफ कह दिया, लोगों को भ्रम है कि उचाला कला से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वह उचाला कला से ही चुनाव की ताल ठोकेंगे।